सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही है चैप्टर रेडियोएक्टिविटी के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियोएक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं। अभी के सेशन में हम बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। इससे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू एंड सी देम एंड देन कम बैक एंड सी दिस वीडियो। ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का और इसमें हम आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आइसोटॉप्स होते क्या है। कि ये होते हैं एलिमेंट ऑफ, और बेसिकली चलिए प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं। तो द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट के होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट होता है, इनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होने से मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, एंड बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, तो पीरियोडिक टेबल में ये एक ही जगह पे रखे जाते हैं। बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम डिजाइन कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम रखे जाते हैं, तो एक ही जगह पे रखे जाते हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है आपका। एंड इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो अलग हो जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो जाते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बिकॉज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, ठीक है, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस आर सेम, ठीक है। तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी जब अलग होंगी वहां से ही रेडियो एक्टिविटी का जन्म होता है, वहां से ही हम रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम तीन आइसोटॉप्स देख रहे हैं, हमने बात किया था प्रोटियम की, सिंपल हाइड्रोजन जो हम देखते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बारे में, 1H1, 1H2, 1H3, इससे पहले भी मैंने वीडियो में ये बताया था। यहाँ पे अगर 1H1 में हम देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ड्यूटेरियम की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है। 1H3 ट्रिटियम है, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 3 है, क्लियरली है, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा भारी भी वही सबसे ज्यादा होगा। बट एक बात जो यहाँ पे समझनी, अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो 6C12, C613, 614, ठीक है, या बहुत सारे हम बहुत सारे एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं। सीएल का एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया। बात करें रिकॉर्ड्स की तो टिन जो है वो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं, इसके 10 होते हैं। अब जो आइसोटॉप्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं और अनस्टेबल हो सकते हैं। अब स्टेबल से मेरा मतलब ये है कि वो जो न्यूक्लियस है वो फटेगा नहीं, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अनस्टेबल में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसे आइसोटॉप्स को हम रेडियो आइसोटॉप्स बोलते हैं। बिकॉज वो अनस्टेबल है, वो ब्रेक हो सकते हैं, ब्रेक होंगे तो उनसे रेडियो एक्टिविटी होगी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है वो हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। जब एक न्यूक्लियस फट जाता है, डिके हो जाता है, तो उससे कुछ रेज निकलती हैं, कौन सी रेज होती हैं वो भी हम आगे आने वाले सेशन में जरूर देखेंगे। तो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ दिस। रेडियो एक्टिव डिके हो जाता है, रेडियो एक्टिव डिके के बारे में काफी डिटेल में हम आगे एनीवे बात करने वाले हैं। बात करें अगर हम यूरेनियम, तो चलो यूरेनियम के दो आइसोटॉप्स के बारे में बात करते हैं। एक है यूरेनियम आपका 92-235 और एक है आपका यूरेनियम 92-238। ये क्लियरली है कि ये आइसोटॉप है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 143 और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए आपके 146, जिसकी वजह से ये ज्यादा अनस्टेबल होगा बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मच मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम कार्बन में बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको क्लियरली दिख रहा है कि तीनों में 6 है, 6 है और इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके 6 हो गए और इसमें 7 हो गए और इसमें 8 हो गए। तो C614 is the radioisotope, ये unstable है, ये decay हो सकता है because unstability क्यों है, because यहाँ पे number of proton to the number of neutron का ratio match नहीं खा